हेलो किड्स, वेलकम टू मैथ सेशन। वी आर डूइंग कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज इस चैप्टर, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर थिंग अबाउट रेट कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस व्हेन वी डू द कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द एनुअल थिंग एंड द हाफ ईयरली थिंग? हाउ डज द कैलकुलेशन गेट्स इन अ डिफरेंट वे एज वेल एज द इंटरेस्ट दैट वी आर गेटिंग will be or will also be different। तो ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए, ये एक चार्ट है। इस चार्ट में देयर आर टू थिंग्स आपका देख रहे हैं। अमाउंट इज सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ये जो इंटरेस्ट लगेगा इट विल बी कंपाउंडेड एनुअली। सेकेंड चार्ट में देखें, इसमें क्या है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि हमारा अमाउंट भी सेम है, हमारा रेट ऑफ परसेंटेज भी सेम है, लेकिन एज पर आ कैलकुलेशन क्या उसमें डिफरेंस आता है, एज वेल एज कितना अमाउंट में डिफरेंस आता है, वो अब हम इस चार्ट के थ्रू वी आर गोइंग टू लुक फॉर। सो यहां पर क्या है, वी आर टेकिंग इट एनम 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हमारा टाइम पीरियड क्या है, जब वो एनुअली कह रहे हैं, यहां पे टाइम पीरियड 1 ईयर है, ठीक है। सो तो मींस, अब आप यहां पे देखें, आप यहां पे जो टाइम पीरियड है डेट इज ऑफ 6 मंथ्स या हाफ ईयर्स। अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो वो है, कंपाउंडेड का मीनिंग यह है कि हम कैसे वी आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट। तो एनुअली मीन्स साल में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, हाफ ईयरली मीन्स इन अ ईयर आपको 2 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आ गया ना डिफरेंस समझ में। अब यहां पे क्या है, हमने सिंपल, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, तो जैसा मैंने प्रीवियस सेशन में भी आई हैव एक्सप्लेन यू, अगर खाली कंपाउंडेड एनुअली है और एक हमें साल का ही चाहिए, तो अगर हम एक सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग से भी कैलकुलेट करें, देयर विल बी नो डिफरेंस। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर लगाया, जो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। सो हमारा यहां पे प्रिंसिपल क्या था, 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10 टाइम हमें 1 ईयर का चाहिए, 1/100। अब जब हमने इसको कैलकुलेट करा, हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपीज का। तो हमारा बेसिक जो हमारा प्राइस था उसमें 10 रुपीज एड होके क्या वी गॉट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 110। नाउ इफ विद द सेम अमाउंट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ आई वॉन्ट टू डू द कैलकुलेशन, मीन्स इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट हाफ ईयरली टर्म्स, तो क्या होगा। तो मैंने क्या करा, पहले एक वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ्स का हमारा, अगर आप देखें तो 6 मंथ्स को हम क्या करेंगे, मंथ्स को ईयर्स, क्योंकि हम जो फॉर्मूले में लिखते हैं वी ऑलवेज राइट इन ईयर्स, तो मंथ्स को ईयर्स में चेंज करने के लिए वी आर डिवाइडिंग बाय 12, बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। अब जो हमने कैलकुलेशन करी, हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/2। सो हमारा वही आ गया, जस्ट जो हमारा ये फॉर्मूला था, प्रिंसिपल पी 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10। अब जो हमारा टी टाइम था वो हमारा आ गया हाफ अपॉन 100। नाउ जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो आई जस्ट शो यू इसका कैलकुलेशन हमने कैसे करा, आई एम शोइंग इट हियर। हमारा 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, 2 5 10। तो हमारा मीन्स आफ्टर 6 मंथ्स हमें कितना मिला, हमें 5 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। तो हमारा अमाउंट अब कितना हो गया, द अमाउंट बिकम्स नाउ 105। इन 100 रुपीज वी हैव एडेड द इंटरेस्ट अमाउंट, डेट इज 5 रुपीज, द अमाउंट कम्स 105। बट दिस इज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो नाउ आई विल टेक द प्रिंसिपल टू बी 105 विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट इज 10, अगेन इट इज ऑफ हाफ ईयर्स, तो 1/2/100।
अब आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे क्या होगा, 105 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है, अब जो हमने इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 रुपीज 25 पैसे एज इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, नाउ हमारा बेसिक क्या था, जो प्राइम हमारा था डेट वॉज 105। 105 में अगेन वी आर गोइंग टू एड 5 रुपीज 25 पैसे, तो फाइनल अमाउंट डेट वी आर रिसीविंग इज 110 रुपीज 25 पैसे। यहां पे हमें क्या था, जब हमने कंपाउंडेड एनुअली करा था वी गॉट ओनली 110 रुपीज, बट व्हेन वी हैव कंपाउंडेड हाफ ईयरली वी आर गेटिंग 110 रुपीज 25 पैसे, मीन्स 25 पैसे का हमें डिफरेंस मिल रहा है। सो दिस इज 25 पैसे का व्हेन वी आर टेकिंग अ सिंपल अमाउंट ऑफ 100 रुपीज। नाउ थिंक अबाउट अगर हम इसको थाउजेंड्स एंड लैक्स में अगर डालेंगे एट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच डिफरेंस कैन वी कम अक्रॉस व्हेन वी आर डूइंग, नॉट गोइंग विद द सिंपल इंटरेस्ट थिंग, वी आर डूइंग द कंपाउंड इंटरेस्ट थिंग। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन? यस, नाउ मूविंग फर्दर, what amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly, compounded half yearly। तो हमें क्या है, हमारा principal is ₹12,000 और हमें जो time दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, 1.5 years और rate of interest is 10%। Is this thing clear to you? Now again, this is 1.5 year. This means क्या हुआ, एक तो पूरा हमारा एक साल आ गया, एक साल में वो क्या कह रहे हैं, हाफ ईयरली, तो means इसमें हमें क्या मिल गए, इसमें हमें दो इंटरेस्ट मिलेंगे प्लस एक हाफ और एड हो गया, तो this means जो हमारा टाइम अब हो गया this becomes 3। Is this thing clear to you? Now they are asking what amount is to be repaid. So this means easily we can put this formula, A is equal to P 1 plus R upon 100 upon N. Sorry, to the power N. So our principal kya hai? Our principal is 12,000. 1 plus rate of interest hamara kitna hai? 10 upon 100. और ये जो हमारा एंड टाइम पीरियड कितना जा रहा है, 3, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कह दिया हाफ ईयरली, तो डायरेक्टली आई कैन पुट दिस थिंग। और देयर इज वन मोर मेथड, सिंपल इंटरेस्ट में आई डू द कैलकुलेशन, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइंड आउट द अमाउंट, उस अमाउंट को फिर बेसिक प्राइस रखकर एंड डू दैट कैलकुलेशन 3 times, और आई कैन डू इन दिस वे। सो अब मेरी कैलकुलेशन हो गई 12,000 और ये मेरा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10, तो 110 अपॉन 100 रेस टू द पावर 3, 0 0 कैंसिल, तो अब मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 12,011 अपॉन 10 रेस टू द पावर 3। सो आई कैन डू दिस पार्ट 12,000 इनटू 11/10 तीन बार, क्योंकि दिस इज द पावर टू 3। इज दिस थिंग क्लियर, हमारे 3 0 कैंसिल आउट हो गए, अब हमारे पास जो वैल्यू बची है 12 × 11 × 11 × 11। सो नाउ व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे एंड देयर यू कैन गेट द आंसर, बस आप आपको मल्टीप्लाई करना है एंड द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि इन्होंने क्या क्या है कि व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट, दैट इज द सिंपल थिंग, है या नहीं है, तो बस ऐसे यू कैन सॉल्व इट। नाउ आई टेक द अदर एग्जांपल, अब देखें कैसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है और क्या उन्होंने जो लिखा है उससे अब हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा। कि फाइंड सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड For 1 year and 3 months. Now they are saying 1 year and 3 months at the rate of 8.5% per annum compounded annually.
नाउ दे आर सेइंग कंपाउंडेड एनुअली. तो जब एनुअली कहा है तो दिस मीन्स हमें जो 1 year 3 months है इस पे ध्यान देना होगा. तो बेसिक थिंग जो हमारी आ गई, पी की वैल्यू इज 10,000, ठीक है. नाउ टाइम दे व्हाट दे हैव गिवन इज 1 year and 3 months. अब इसको हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशन. तो आपको मालूम है मंथ्स को इयर्स में चेंज करने के लिए वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 12. तो दिस बिकम्स 1/4, ठीक है. तो अब हमारा टाइम क्या आ गया, 1/4. एक तो 1 year हो गया, एक 1/4 हुआ. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी. एंड रेट क्या है, इट इज 8.5%. तो इसका मतलब हुआ 17/2. मिक्स फ्रैक्शन है तो हम इसका आगे 17/2. सो इन दिस अब आपको क्या करना है, अब हम अमाउंट को कैसे, हम इट वुड बी अगर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 रेस टू द पावर एन, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. हम इसका क्या करेंगे, हम पहले एक सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. अब पी हमारा आ गया 10,000, रेट आ गया हमारा 17/2, ठीक है. टाइम हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी वी विल कैलकुलेट ओनली फॉर 1 year, क्योंकि उन्होंने एनुअली कहा है. तो एनुअली में मीन्स हमें एक ही साल का अभी हमें कैलकुलेट करना है अपॉन 100. तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे, दिस विल बिकम 10,000 इंटू 17 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 100. दो जीरो कैंसिल, दिस बिकम्स 50, ठीक है. नाउ 17 इंटू 50 कितना हो गया, हमारा जीरो ये आ गया. एंड 5 7s are 35, 3 5 1s are 5 6 7 8. 850 रुपीज का हमें क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है. डू यू गेट दिस. अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो मींस अब हमारे पास क्या हुआ, अब ये व्हेन वी विल ऐड विद दिस बेसिक वैल्यू, दिस विल बिकम द हमारा अमाउंट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो, सो दैट वी कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन. क्योंकि क्लियरली दे हैव रिटन कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंडेड है. तो दिस मींस हम 10,000 में इफ आई विल ऐड, तो अमाउंट कितना हो गया हमारा, 10,000 + 850. तो हमारा ये क्या बना, 10,850 रुपीज. नाउ अब हमारा कैलकुलेशन होगा बेस्ड ऑन दिस. अगेन आई विल टेक द सेम फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का. अब मेरा बेसिक प्राइस जो है, प्राइम है, वो है 10,850. रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन इट इज 17/2. और इन्होंने क्या कहा है, अब आई विल कैलकुलेट फॉर 1/4 years. सो दिस अगेन विल बिकम 1/4 upon 100. नाउ अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10,850 × 17 × 1 upon 2 × 4 × 100. वॉट आर दे आस्किंग फॉर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ रुपीज दिस इज इन्वेस्टेड. What you need to find out? You need to find out the compound interest. तो ये अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डेट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट. क्योंकि अब हमने क्या करा, हमारा जो अमाउंट, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, उससे वी हैव डन द कैलकुलेशन. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो नाउ अब अगेन, क्योंकि ये लंबी कैलकुलेशन है, तो अब आप खुद इसको सॉल्व करके यू कैन डू द फर्दर कैलकुलेशन. तो एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये हम कहां कहां अप्लाई करते हैं, लेट अस लुक एट दिस. देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, एंड देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज दिस फॉर्मूला. वो क्या है, लाइक इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन. क्योंकि जैसे हम किसी का ही करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन, तो क्या होता है, जो हमारी अभी जो हमने ली है पॉपुलेशन का रेट, वो
उस पर ही वी कैलकुलेट कितने परसेंट से इट इज गेटिंग इंक्रीज एंड देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन. अब वो जो हमारी ऐड हो गई है डेट फॉर द फर्दर कैलकुलेशन. नाउ आई विल नॉट टेक द प्रीवियस वन, आई विल टेक द नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेट वॉज आफ्टर आई गॉट इट द आफ्टर आई गॉट डेट बाय द होल कैलकुलेशन. मीन्स अगर मैंने करा है हमारा 90 में 10,000 पीपल हैं, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 91 का एट द एंड ऑफ 91, तो 10,000 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ. फिर जो हुआ मान लो 10,000 में हमारा 5% इंक्रीज हुआ है, सो हमारे कितने हुए करीब 500 कुछ हुए, तो 10,500 एंड देन वी विल डू द फर्दर कैलकुलेशन. द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन. तो ये हमारा जब व्हेन वी डू सम बायोलॉजिकल लेबोरेटरी वर्क और उसमें वी डू द कैलकुलेशन इन दिस वे कि अगर हम कोई डिजीज के लिए अपना टेस्ट करवाते हैं तो क्या कैसे वो बताते हैं कि ये तो सिचुएशन अभी और बिगड़ेगी या इट विल इम्प्रूव. तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दिस बाय दिस द फॉर्मूला डेट इज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट इज प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द इंटरमीडिएट ईयर्स. जैसे हम क्या कहते हैं आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी या कम होगी. हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन कि जो हमने बेसिक जो लिया उस पे कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो कैलकुलेट करके जो हमें वैल्यू मिल रही है देन वी कंसिडर डेट न्यू वैल्यू टू बी द प्राइम वैल्यू फॉर द फर्दर कैलकुलेशन. सो इन दिस वे वी डू ऑल दीज कैलकुलेशन. सो वॉट डिड वी लर्न टूडे, टूडे वी लर्न हाउ टू डू द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न. तो टिल वी मीट अगेन डू रिवाइज द थिंग्स और जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ रखी है डू इट ऑन योर ओन एंड चेक योर आंसर्स. बाय.